नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के द्वारा वेद विद्यापीठ पाठ्यक्रमों के अंतर्गत सत्र 2020 से 2021 के अंतर्गत ज्योतिष, कर्मकांड एवं प्रोहित्य में डिप्लोमा, योग विज्ञान एवं संस्कृत शिक्षण में प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेद विद्यापीठ दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एडमिशन विज्ञप्ति, एडमिशन फॉर्म, सिलेबस एंड वेद विद्यापीठ हेतु सुझाव के ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिशन विज्ञप्ति के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। एडमिशन नोटिस फॉर वेद विद्या, डाउनलोड अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित वेद विद्यापीठ के अंतर्गत निम्न डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम का नाम है ज्योतिष में डिप्लोमा। अवधि की अगर हम बात करें तो यहाँ एक वर्ष की होगी। योग्यता है 10+2। कर्मकांड एवं प्रोहित्य में डिप्लोमा, एक वर्ष की अवधि है। न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए। योग विज्ञान में प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रम 6 माह का होगा और यहाँ पर योग्यता है 10+2। संस्कृत शिक्षण में प्रमाण पत्री पाठ्यक्रम, अवधि है 6 माह की और यहाँ योग्यता है 10+2। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ggtu.ac.in। शुल्क है जनरल OBC के लिए ₹500, SC और ST के लिए यहाँ ₹300 निर्धारित किए गए हैं। अंतिम तिथि है 5 जनवरी 2021। अर्थात हम 5 जनवरी 2021 तक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त पाठ्यक्रमों में प्राप्त ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों में विद्यार्थियों की सुविधा हेतु निकटतम सैटेलाइट अध्ययन केंद्र बनाए जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रमों का विषयगत विस्तृत विवरण एवं सिलेबस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उक्त पाठ्यक्रमों को अध्यापन हेतु इच्छुक विषय विशेषज्ञ अपना प्रार्थना पत्र vvpg.gtu@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी इन पाठ्यक्रमों का अध्यापन कराना की इच्छुक हो तो वे भी प्रार्थना पत्र इस ईमेल पर भेज सकते हैं। सुझाव आमंत्रण, वेद विद्यापीठ की भावी योजना एवं संभावनाओं हेतु बांगड़ कांठल के विद्वानों से सुझाव भी आमंत्रित है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर वेद विद्यापीठ हेतु सुझाव टैब को क्लिक करके सुझाव प्रेषित कर सकते हैं। तो इस तरह से जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है, योग्यता के संदर्भ में 10+2 और 8वीं पास रखा गया है। अब बात करेंगे हम एडमिशन फॉर्म के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। सबसे पहले हमें अपना नाम लिखना होगा। इसके पश्चात हमें अपने पिता का नाम लिखना होगा, श्रेणी को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें ST, SC, OBC, जनरल एंड अदर। जन्म तिथि को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से जिसमें ईयर्स, डे और मंथ के संदर्भ में हमें जानकारी देनी होगी। गांव के संदर्भ में हमें आंसर देना होगा, किस गांव से हम यहाँ संबंध रखते हैं, यानी एड्रेस लिखना होगा, तहसील लिखनी होगी, जिला, अंतिम योग्यता क्या हमारी,
उस योग्यता के संदर्भ में यहाँ हमें जानकारी देनी होगी। मोबाइल नंबर, यदि व्हाट्सएप नंबर हो तो वह भी लिखें, तो हमें व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखने होंगे। ईमेल हमें लिखनी होगी, निम्न में से किसी एक पाठ्यक्रम पर निशान करें। ज्योतिष में 1 वर्षीय डिप्लोमा, क्रमकांड एवं प्रोहित्य में 1 वर्षीय डिप्लोमा, योग विज्ञान में 6 मासिक प्रमाण पत्री पाठ्यक्रम, संस्कृत शिक्षण में 6 मासिक प्रमाण पत्री पाठ्यक्रम। आवेदन के आधार पर 10 से अधिक विद्यार्थी होने पर निकटतम केंद्र पर पाठ्यक्रम अध्यापन प्रयास किए जाएंगे। किसी भी एक पाठ्यक्रम पर हम क्लिक यहाँ कर सकते हैं और इसके पश्चात हमें सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब बात करेंगे हम सिलेबस के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। कर्मकांड एवं प्रोहित्य 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए, ज्योतिष शास्त्र के लिए, षण्मासिक संस्कृत पाठ्यक्रम के लिए और योग विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्मकांड एवं प्रोहित्य 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है दिखाई देगा। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। इस प्रकार हम डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। कर्मकांड एवं प्रोहित्य 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। यहाँ पर अलग अलग जो कैटेगरीज हैं दी गई हैं, तो उनमें पाठ्यक्रमों के संदर्भ में यहाँ अंक विभाजन दिया गया है, तो इसका हम अवलोकन आसानी से कर सकते हैं। और इस PDF फाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र में, तो यह हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने PDF फाइल डाउनलोड अटैचमेंट का लिंक दिखाई देगा। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। प्रथम सत्र 6 मासिक गणित विज्ञान ज्योतिष शास्त्र में 1 वर्षीय डिप्लोमा। टोटल अंकों का जो विभाजन है यहाँ इस प्रकार दिया गया है। अब बात करेंगे हम षण्मासिक संस्कृत पाठ्यक्रम के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार एक PDF फाइल डाउनलोड अटैचमेंट का लिंक दिखाई देगा। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रथम एवं द्वितीय 100 अंकों का यहाँ जो प्रश्न पत्र है जारी किया गया है। प्रत्येक इकाई में यहाँ 20-20 जो अंक के जो प्रश्न है पूछे जाएंगे। इस PDF फाइल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। इसी तरह से योग विज्ञान पाठ्यक्रम, दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ अंकों का विभाजन दिया गया है। इस PDF फाइल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से आप इन्हें आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात करेंगे हम सुझावों के संदर्भ में। वेद विद्यापीठ हेतु सुझाव, दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर हमें नाम, मोबाइल नंबर, निवासी,
वर्तमान पद एवं पदस्थापन का पता, वेद विद्यापीठ से संबंधित बिंदु, उसमें आपकी रुचि अनुरूप सुझाव या आमंत्रित किए जाते हैं, और वेद विद्यापीठ हेतु किन किन पाठशाला, आश्रम, गुरुकुल, महाविद्यालय स्थलों पर भ्रमण एवं अवलोकन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो सुझाव हम दे सकते हैं, और यहाँ पर YouTube, Facebook और Instagram और Twitter के संदर्भ में भी यहाँ जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जिसे हम फॉलो कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सुझाव यहाँ पर प्रेषित कर सकते हैं, सुझाव ऑनलाइन ही हमें प्रेषित करने होंगे। तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रकार का प्रश्न होने की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए RBSVTHSM चैनल के माध्यम से कोर्स ऑफ ग्रुप का निर्माण कर दिया गया है। अतः इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSVTHSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।